रीवा जिला न्यायालय में एक अहम फैसला आया है जिसमें मारपीट हत्या के प्रयास के आरोपियों को अलग अलग धाराओं के तहत सजा मिली है। मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 14 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक कुंवर सिंह ने बताया कि 4 जुलाई 2010 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सड़क बनवाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें शाहजहां बेगम के साथ फिरोज, अफरोज और पिंकू नाम के युवकों ने मारपीट किया था, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई थी, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। शासन की तरफ से लोक अभियोजक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनको प्रमाणित पाए जाने पर पंचम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों को 14 वर्ष की सजा और जुर्माने की राशि से दंडित किया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं लोक अभियोजक कुमार सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। सर, एक न्यायालय में फैसला आया है 360 आरोपी का। हमारे माननीय साथ में अपर सेशन न्यायाधीश आनंद गौतम जी ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी पिंकू, फिरोज और अफरोज को दंडित किया है। घटना इस प्रकार की है कि दिनांक 4/7/2010 को थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि थाना सिविल लाइन में 3 बजे पिंकू तहीद के घर के सामने गिट्टी डलवा दिया। इस गिट्टी डलवाने के लेकर के उसके छोटे भाई शकील, पिंकू, इन सब से आपस में विवाद हुआ। विवाद के कारण मारपीट हुई और मारपीट में काफ़ी चोटें आई। शाहजहां बेगम के सिर में चोट आई और अंदरूनी चोटें भी आई, जिससे मामला जो है थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 427/2010, धारा 294, 324, 506B एवं 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला विचारण के लिए सप्तम अपर न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विचारण के दौरान हमारे सभी सहयोगी साथी अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने पैरवी की, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि अपराध जो है घटित होना प्रमाणित पाया गया और इसके तहत आरोपी पिंकू, फिरोज और अफरोज खान को 307 में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323 में 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1,000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर 3 माह का कठोर कारावास, धारा 324 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 2,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 9 महीने की सजा सुनाई है। इसमें हमारे अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने कई लोग मिलकर के पैरवी किए हैं और जाके शासन का हित रख के और यहाँ तक अंजाम दिए और अपराध पूरी तरह से प्रमाणित कर समाज को एक संदेश दिए कि अपराध करने वाला कभी बच नहीं सकता, उसको सजा होनी होनी।